हिमाचल प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ विद्युत उत्पादन भी पटरी पर लौटने लगा है। करीब 7 महीने के अंतराल के बाद पहली बार राज्य विद्युत बोर्ड के अपने छोटे पावर प्रोजेक्ट में लगभग 75% तक बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। देश के अन्य राज्य जब बिजली संकट से जूझ रहे हैं, तो हिमाचल में बिजली उत्पादन का बढ़ना एक अच्छा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि कोयले की कमी के कारण देश के ज्यादातर राज्य विद्युत कट से परेशान हैं। देश में 70% बिजली उत्पादन कोयले पर निर्भर है। बिजली की कमी की वजह से कई औद्योगिक क्षेत्रों में निरंतर कट लगाए जा रहे हैं। हिमाचल में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, वैसे वैसे विद्युत उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि गर्मी से ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं, इससे बड़ी नदियों का जलस्तर भी बढ़ जाता है। प्रदेश में ज्यादातर विद्युत प्रोजेक्ट भी बड़ी नदियों पर लगे हुए हैं। राज्य में हर साल गर्मियों के दौरान सरप्लस विद्युत उत्पादन होता है और हिमाचल गर्मियों में बिजली पड़ोसी राज्यों को बेचकर पैसे कमाता है। आमतौर पर मई से सितंबर माह तक अच्छा बिजली उत्पादन रहता है, इसके बाद ग्लेशियर दोबारा जमने लगते हैं, इससे विद्युत उत्पादन गिर जाता है और सर्दियों में हिमाचल पड़ोसी राज्यों की बिजली पर निर्भर हो जाता है। प्रदेश में बीते सालों के दौरान अप्रैल महीने में 280 से 290 लाख यूनिट बिजली की मांग रहती है, लेकिन इस बार बिजली की मांग 325 लाख यूनिट पर पहुंच रही है, यानी उत्पादन कम हो रहा है और बिजली की मांग बहुत ज्यादा हो गई है। यही वजह है कि बिजली राज्य हिमाचल में भी विद्युत कट लगाने पड़ रहे हैं। बता दें कि राज्य विद्युत बोर्ड के अपने छोटे पावर प्रोजेक्ट की कुल उत्पादन क्षमता 95 से 100 लाख यूनिट की है।